है गाइस सूरज दिस साइड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आज भी सूरज गाइस आई एम ऑल्सो ऑन टेलीग्राम यू गाइस कैन ज्वाइन लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम गाइस यू कैन बाय माय स्पेशल स्पीकिंग पीडीएफ एंड कॉन्टैक्ट इज गिवन ओवर देयर एट आज हम बात करने जा रहे हैं फॉलोअप्स की और जो हमारा क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट टास्क दैट यू कम्प्लीटेड एट वर्क और स्टडी दैट यू फेल्ट प्राउड ऑफ इसका जो सैम्पल आंसर है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑलरेडी क्यू कार्ड अपलोडेड है इसका फॉलोअप्स हम आज करने जा रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है वट आर द थिंग्स दैट मेक पीपल फील प्राउड वह कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को गर्व महसूस करवाती है आंसर इज आई फील इट डिपेंड्स अपॉन देयर एज वेल मुझे लगता है वह डिपेंड करता है उनकी एज पर चिल्ड्रन फील प्राउड व्हेन दे अचीव गुड ग्रेड्स और विन एनी कंपटीशन इन स्कूल वेल जो बच्चे हैं वह गर्व महसूस करते हैं जब वह अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं या फिर कोई कॉम्पिटिशन स्कूल में जीतते हैं मोर ओवर इसके अलावा अडल्ट और ओल्डर फील प्राउड आफ्टर गेटिंग प्रमोशन एट वर्क अडल्ट एंड जो ओल्डर है वह गर्व महसूस करते हैं जब उन्हें काम पर प्रमोशन मिलती है एंड वेन दे गेट सक्सेस इन एनी चैलेंजिंग टास्क और जब उन्हें कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क में सफलता मिलती है मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर और जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है डो पीपल ऑफन फील प्राउड ऑफ दैमसेल्व वेन दे कम्पलीट अ डिफिकल्ट टास्क वेल क्या लोग अक्सर ही गर्व महसूस करते हैं अपने आप पर जब वह कोई भी डिफिकल्ट टास्क को कम्प्लीट करते हैं आंसर इज यस डेफिनेटली हाँ जरूर गेटिंग सक्सेस इन चैलेंजिंग टास्क मेक्स दैम प्राउड सफलता प्राप्त करना किसी भी डिफिकल्ट काम में उन्हें गर्व महसूस कराता है इवन दो दे हैव टू गिव देयर बेस्ट टू कंप्लीट दैट वर्क चाहे उन्हें अपना बेस्ट देना पड़ता है वह काम को कंप्लीट करने के लिए बट दे फील ऑन क्लाउड नाइन बिकॉज देयर एफर्ट्स डिडेंट गो वेस्ट बट उन्हें खुशी महसूस होती है क्योंकि उनके जो एफर्ट्स है वह बेकार नहीं जाते मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर वट चैलेंजेस डू यंग पीपल फेस टूडे वेल किस तरह के जो चैलेंजेस है यंग पीपल आजकल फेस करते हैं आंसर रीजन टू डिस टाइम यंगस्टर्स हैव टू गो थ्रू मैनी चैलेंजेज बिकॉज ऑफ हाई कॉम्पिटिशन इन एवरी फील्ड वेल आज के समय में जो नौजवान उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस के गो थ्रू होना पड़ता है क्योंकि हाई कॉम्पिटिशन आजकल हर एक फील्ड में फर्स्टली सबसे पहले दे हैव टू स्टडी हार्ड इन ऑर्डर टू अचीव बेस्ट रैंकिंग वेल सबसे पहले उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्टडी में एक अच्छी रैंकिंग बेस्ट रैंकिंग अचीव करने के लिए सो दैट दे केन गेट फर्दर एडमिशन इन रेपुटेबल यूनिवर्सिटीज और कॉलेज ताकि वह आगे जो फर्दर एडमिशन है वह एक अच्छे रैंकिंग वाले यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेज में ले सकें बिसाइड्स दिस इसके अलावा दे ऑल्सो हैव टू स्ट्रगल इन वर्किंग सेक्टर इवन समाइम्स दे हैव टू वर्क ऑन लो सैलरी और इसके अलावा उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है

जैसे कि इंटरनेट ने उनकी लाइफ को आसान कर दिया है well, सोल्यूशन सोल्यूशन है जो वेबसाइट्स पर सर्च कर लेते हैं जैसे कि क्रोम या फिर यूट्यूब इन एडिशन इसके साथ ही दे टेक और एडवाइस फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स टू डील विद प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से एडवाइस या सुजेशन लेते हैं प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए फिफ्थ क्वेश्चन इज वट काइंड

कैश बोनस के साथ या फिर प्रमोशन के साथ इवन फ्यू कंपनीज प्रोवाइड इंटरनेशनल ट्रिप्स टू देयर बेस्ट इंप्लॉयज एज ए रिवॉर्ड इवन जो कुछ कंपनीज है इंटरनेशनल ट्रिप्स भी देती हैं अपने बेस्ट इंप्लॉयज़ को रिवॉर्ड के तौर पर मूव करते हैं लास्ट सिक्स क्वेश्चन पर वट आर द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स दैट पीपल डू मतलब सबसे डिफिकल्ट जॉब्स कौन से हैं जो लोग करते हैं आंसर इज देयर आर न्यूमरस काइंड ऑफ जॉब्स विच आर डिफिकल्ट एज वेल एज सम जॉब्स इन्वॉल्व रिस्क मतलब बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि डिफिकल्ट और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनमें रिस्क इन्वॉल्व होता है डॉक्टर्स फायर फाइटर एंड नर्स आर एग्जांपल ऑफ टफ जॉब्स वेल जो डॉक्टर है फायर फाइटर है या फिर नर्स है यह एग्जांपल्स है टफ जॉब्स की बिकॉज दे आर स्मॉल मिस्टेक में रिस्क द लाइफ ऑफ अ पर्सन क्योंकि उनकी छोटी सी मिस्टेक एक पर्सन की जिंदगी को रिस्क में डाल सकती है मोर ओवर इसके अलावा एन आर्मी जॉब इज ऑल्सो डिफिकल्ट जो आर्मी की जॉब है वह भी डिफिकल्ट है बिकॉज इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन एज वेल एज स्ट्रिक्ट डाइट एंड इट इज रिस्कियर जॉब टू वेल इसमें जो है डिसिप्लिन